तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर वाई के टेक्निकल ज्ञान। और आज मेरे पास अवेलेबल है सैमसंग गैलेक्सी A55 5G फ़ोन। और इस फ़ोन में आ चुका है एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट। दोस्तों, सैमसंग अपने फ़ोन में समय समय पर सॉफ्टवेयर अपडेट्स देता रहता है, जिससे कि फ़ोन के अंदर परफॉर्मेंस बरकरार रखा जा सके, फ़ोन में न्यू इनहांस फीचर्स ऐड करे जा सके, फ़ोन के अंदर बग्स को रिमूव करा जा सके। और अगर अपने फ़ोन की आप परफॉर्मेंस बरकरार रखना चाहते हो तो अपने फ़ोन को अप टू डेट रखें। और ऐसा मैं नहीं, कंपनी खुद कहती है। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है और मैं आपको बताऊँगा भी कहाँ पर लिखा हुआ है। सिंपली अगर आपको अपने फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेट करना है तो अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना होगा। जैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाओगे, यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना, आपको सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन मिलेगा। कहाँ पर और कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाए, जैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाओगे, आप स्क्रॉल डाउन करना, आपको सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन मिलेगा। उस पर आप क्लिक करें, देख सकते हो सॉफ्टवेयर अपडेट। यहाँ पर डाउनलोड एंड इंस्टॉल के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, आप देख पाओगे सॉफ्टवेयर अपडेट रिजम टू अपडेट। क्योंकि मैंने इसे फिलहाल पॉज कर दिया, क्योंकि मैं वीडियो बनाई थी, इस वजह से मुझे वीडियो बनानी थी, इस वजह से। अब यहाँ पर देख सकते हो सिक्योरिटी अपडेट दिया गया है, फ़ोन की सिक्योरिटी को यहाँ पर इम्प्रूव करा गया है। और साफ साफ यहाँ पर लिखा गया कि एक बार अगर आपने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया तो इसे आप डाउनग्रेड नहीं कर सकते, सिक्योरिटी की पॉलिसी है। उसके अलावा सॉफ्टवेयर अपडेट करने के यहाँ पर बेनिफिट लिखे गए, जो कि मैंने आपको शुरुआत में कहे थे, जैसे फ़ोन की परफॉर्मेंस को बरकरार रखता है, बग्स को ठीक करता है, न्यू इनहांस फीचर्स ऐड करता है। और फ़ोन की परफॉर्मेंस को बरकरार रखने के लिए अपने फ़ोन को रेगुलरली सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहे। और ऐसा मैं नहीं, कंपनी खुद कहती है। अगर आप सॉफ्टवेयर अपडेट करोगे तो डेफिनेटली आपको डाउनलोड करना होगा। तो कितने एमबी का ही अपडेट है, तो 225 MB का ही अपडेट है, जिससे आप अपने मोबाइल डेटा पर भी आराम से डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों, यहाँ पर जो अपडेट है, ये सिक्योरिटी अपडेट है, किसी भी नए फीचर या फंक्शन के बारे में यहाँ पर मेंशन नहीं करा गया। लेकिन कभी कभी सॉफ्टवेयर अपडेट में बग्स रिमूव होने की जगह बग्स ऐड भी हो सकते हैं, वो भी आपको याद रखना होगा। इसलिए बहुत सी कंडीशंस होती है जिसके बारे में आपको मेंशन करा जाता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर मेंशन नहीं करा, जिसका मैंने आपको अलग से वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने बताया है कि सॉफ्टवेयर अपडेट करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, कौन कौन सी गलती ना करें। वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो पहले वो वीडियो आप देखना, सारी वीडियो को समझना, उसके बाद ही सॉफ्टवेयर अपडेट डाउनलोड करना, उसके बाद ही उसे इंस्टॉल करना। क्योंकि मैंने जो तरीके बताए बेहतरीन यूज़फुल है और आपका डेटा भी बिल्कुल सेफ रहेगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें।